रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में। देख बेटा, बेटा इस कसम की क्या जरूरत है? तुमने जैसा बोला वैसा हमने किया। ध्रुव ने अपनी जायदाद भी तुम्हारे नाम कर दी। वो दोनों इस घर को छोड़कर चले भी गए। अब तो ये कसम क्यों दे रहा है? जिद छोड़ दे बेटा, कसम वसम नहीं। फालतू की बात नहीं सुननी हमें। कसम खाएंगी तो बताइए। आज अगर इस दहलीज को पार कर दिया तो आखिरी दम तक कभी वापस पलट कर नहीं देखेगा ये रॉकी। बेटा ध्रुव को घर से बाहर तो कर दिया है ना, अब फिर ये शर्त क्यों रख रहे हो बेटा? हाँ रॉकी, ध्रुव भैया नहीं रहेंगे तो इस घर में कोई जान बाकी नहीं बचेगी। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। हम अपना फैसला सुना चुके हैं, अब आप लोगों की बारी है। आपको चुनना है रॉकी और ध्रुव में से किसी एक को। आप लोगों की चुप्पी ने हमें हमारा जवाब दे दिया। हम चलते हैं। जय महाकाल। रुक जा बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा। हम तेरे सर की कसम खाकर कहते हैं, आज के बाद हमारे पूरे परिवार में से कोई भी ध्रुव और दानी से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। आइए, ये प्रण हमें पूरे परिवार को एक साथ में लेना है। आज के बाद हम में से कोई भी ध्रुव और दानी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगा। आप सब हमारे लिए इतना तो करेंगे ना? आइए। हम कसम खाते हैं कि आज के बाद ध्रुव और धानी से हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। हम भी कसम खाते हैं। अरे चुची, अंदर मत जाइए। अब जाएंगे तो फिर से कोई बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। प्लीज सारी प्लीज, क्योंकि हमसे हमारा सब कुछ छीन रहा है। सब कुछ पहले दे चुके हैं, अब वो हमारा परिवार हमसे छीनना चाहता है। बिल्कुल नहीं, वो हम नहीं होने देंगे। शांत हो जाइए प्लीज। रुक, क्या से क्या हो गया? नहीं, इससे पहले तो बस सुना था, आज तो हम देख रहे हैं कि खून खून ही होता है और उसके आगे कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता। तभी तो देखो ना, हमारे घर वालों ने रॉकी की बात सुन ली और तुम दोनों से अपना रिश्ता तोड़ दिया। बकवास बंद करो अपनी। तुम तो क्या, अगर भगवान खुद आकर यह बात हमसे कहेंगे तब भी ये बात नकार देंगे। हमें हमारे परिवार से कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, इतना भरोसा है? ठीक है फिर, लगाइए आवाज, हम भी तो देखें उनका प्यार
लगाइए। माँ, पापा, बुआ जी, भाभी, हाँ, पापा, सोच लीजिए, आप सबने हमारी कसम खाई है, उनके पुकारने पर भी कोई उनकी तरफ पलट कर नहीं देखेगा। क्या है ना मिस्टर ध्रुव पांडे, खून में चाहे कितनी भी मिलावट क्यों ना हो, खून आखिरकार अपने खून के पास ही दौड़ता है। और रॉकी के आगे उस घर में तुम दोनों की कोई जगह नहीं है, और इसीलिए हम कह रहे हैं अपना सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से, वहाँ पे तुम्हारा कोई नहीं है। सिर्फ आपको भड़काने की कोशिश कर रही है, प्लीज हमारी बात मानिए, अंदर मत जाइए। प्रॉब्लम, रॉकी ने आज सारी हदें पार कर दी अपने, उसको सब कुछ पहले ही दे चुके हैं, और आज हमसे वो हमारा परिवार छीनना चाहते हैं, और ये बिल्कुल नहीं होने देंगे आप। प्लीज प्लीज हमारी बात मानिए ध्रुव जी, आप अंदर जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ध्रुव जी, ये दो भाइयों के बीच की बात है, तुम्हें इनके बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसा ही कहा था ना तुमने, कल रात हम जरा नशे में थे, बहुत हीरो बन रहा था, पर आज नहीं, तुम्हारे जैसे 10 को रॉकी एक बार में धूल चटा सकता है, इसलिए कह रहे निकल लो यहां से, बहुत जी लिए हमरे हक की जिंदगी, अब सब कुछ हमरा है, ये जायदाद और इस परिवार का प्यार भी, आज से तुम अनाथ हो, और वही रहोगे, समझे? रुचि, प्लीज, हम तुझसे बहस नहीं करना चाहते, हमें सिर्फ अंदर जाने दे और माँ बाप से बात करने दे। रॉकी हमें मजबूर मत कर, ये 24 साल का रिश्ता 24 पलों में तोड़ नहीं सकता, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले। रॉकी, देख रॉकी, हमें मजबूर मत कर, हमें हमारे परिवार से जाके बात करने दे प्लीज। शांत हो जाइए ध्रुव जी, कहा था तुझसे कि मजबूर मत कर, तू हमें सब कुछ दे चुके तुझे, एक बात कान खोलकर सुन लो, हम यहां से कहीं नहीं जाने वाले, और ध्रुव जी को तुम परिवार से अलग नहीं कर सकते।
भरोसे और प्यार की नींव खून से ज्यादा गहरी होती है और उस नींव पर खड़े रिश्तों की इमारत पड़े से पड़े तूफान को झेल सकती है। तो तुम्हारी कसम क्या चीज? तूफान की बात बाद में करेंगे, पहले हमारी एक कसम है, तुम्हारी इमारत पर बहुत बड़ी दरार डाल दी है, सब कुछ छीन लिया है हमने तुम्हारा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी जायदाद, सब कुछ। तो सिर्फ पांडे नाम वो छोड़ रहे हैं तुम्हारे पास, क्योंकि उसका भी कुछ ज्यादा अस्तित्व नहीं है। अब दम है तो अपने बलबूते पर कुछ बनकर दिखाओ। 24 साल नहीं, 24 दिन हमारी तरह जिंदगी जी कर बताओ। उसके बाद देखेंगे कि तुम हमसे लड़ने लायक भी हो या नहीं। ये नाम देकर एहसान करने की जरूरत नहीं है रॉकी, अपना सब कुछ दे चुके हैं तुम्हें, ये भी दे देंगे, लेकिन तुम चाह कर भी हमारा परिवार, हमारी परवरिश और मां का प्यार कभी हमसे छीन नहीं पाओगे। पांडे सरनेम ने नहीं, पांडे परिवार और उनके संस्कारों ने पाला ध्रुव को, उसी से ध्रुव बना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन तेरी आंखें खुले, भगवान से दुआ करता हूं जिस दिन तेरी आंखें खुले उस दिन देर ना हो चुकी हो, ताकि तुम माफी भी ना मांग पाए। चलो धानी। कोशिश में नाकामयाब हो रहे हैं ध्रुव जी, हमारी हर कोशिश को दीदी बर्बाद कर रही है। परिवार में खुशियां लाना चाहते हैं हम, लेकिन एक के बाद एक सब मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। धानी, तुम यूं कमजोर नहीं पड़ सकते, ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं, हिम्मत दिखाने का वक्त है। एक बात याद रखना, तुम हमारी ताकत हो, अगर तुम कमजोर पड़ गए तो हम खुद को कैसे संभालेंगे। देखो, इस लड़ाई में हमें तुम्हारा साथ चाहिए, रॉकी को सही रास्ते पर लाना है, उसे बताना ही है कि इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि परिवार की परवरिश से बड़ा होता है। और जो चुनौती दी है ना उसने हमें, उसे पूरा करना है हमें, और उसके लिए हमें तुम्हारा साथ चाहिए दानी। अगर हमें अपनी पहचान बनाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो तुम्हें पीछे से घर संभालना होगा, ध्यान देना होगा कि सृष्टि कहीं कुछ ऐसा ना करे जिसके कारण हमारे परिवार को या फिर रॉकी को कोई नुकसान पहुंचे। इतना साथ दोगी ना हमारा? सही कह रहे ध्रुव जी, हिम्मत हारने का वक्त नहीं है, हम आपके हर फैसले में आपके साथ हैं। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। सॉरी भाई साहब, वो दरअसल इनका पाँव हमारे पाँव में अटक गया तो हम गिर गए। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, देखकर चलिए ना। अबे खुद गलती करता है और मुझे सुना रहा। देखिए भाई साहब, I'm really sorry।
हम अपने काम के लिए जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हो? मैं सुना रहा था, जाओ। बहुत बढ़ गई है, अब बताओ क्या करना है? कुछ खास नहीं, बस ऐसी हालत करनी है तुम्हें उस आदमी की कि उसकी बीवी हमारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। ठीक है मैडम, हो जाएगा। बोलिए। हाँ मैडम। ध्रुव पांडे कहाँ पर है? नहीं पता मैडम, यहाँ आइए। कहाँ है ध्रुव जी? उनको ऑपरेशन के लेकर गए। पता नहीं मैडम, कुछ लोग उन्हें बहुत बुरी तरह मार रहे थे, बाद में भाग गए लोग। डॉक्टर साहब, ध्रुव जी हम उनकी पत्नी है, कैसे है वो? देखिए उनकी हालत एकदम क्रिटिकल है, ये रिपोर्ट्स है, उनके सर पे बहुत गहरी चोट आई है और हमें इमीडिएटली उनका ऑपरेशन करना होगा। हाँ तो ऑपरेशन कर दीजिए ना जल्दी प्लीज। देखिए ये ऑपरेशन के लिए 3-4 लाख का खर्चा है। पैसों की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम अरेंज कर देंगे। आप शुरू कीजिए। आप काउंटर पे पैसा जमा कर दीजिए, हम तब तक ओटी की तैयारी करते हैं। जल्दी। अरे धानी, अगर तुझे पापा से बात करनी है तो आजम कर फोन लगाना, या तुम्हारे कोई पापा नहीं है? दीदी हमारे पास सबके लिए अभी कोई वक्त नहीं है, प्लीज ये खेल बंद कीजिए। रोजी की हालत बहुत नाजुक है, इस वक्त पापा से बात करना जरूरी है, प्लीज उन्हें फोन दे दीजिए जल्दी से। कह रहे ना कोई फायदा नहीं है, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, ना वो वहां पे आकर तुम्हारा हाथ थाम सकते हैं और ना ही तुम्हें पैसे दे सकते हैं। दीदी अपना ये खेल बंद कीजिए, किसी की जान के आगे पैसे कुछ भी नहीं होते, समझ रही है ना आप? ये सब बंद कीजिए और जल्दी से पापा को फोन दीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है।
क्या है ना धानी, इस परिवार के सारे सदस्यों से तेरा रिश्ता टूट चुका है। अब कोई भी हालात, कोई भी बात तुम्हें इस परिवार से जोड़ नहीं सकती। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो फोन करके देखो, कोई भी फोन नहीं उठाएगा। हमने जानबूझकर तुम्हें मुश्किल में डाला है। तुम्हें इतना बेबस और लाचार बनाया है। सच कहूं तो हमें तो बहुत सुकून मिल रहा है तुम्हें इस हालत में देखकर, उस तकलीफ को सहते हुए देखकर जिससे कभी हमने सहा था। यही बेबसी, कमजोरी हमने महसूस की थी जब तूने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया था, और तब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, अपने हाथों से अपनी जिंदगी फिसलते हुए देख रहे थे। अब यही तेरी जिंदगी है, जितनी जल्दी इसे अपनाएगी उतना तेरे लिए बेहतर है। धानी बिटिया का फोन। धानी, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे बेटे की कसम खाई है आपने, हम सब ने। उसकी कसम आप कैसे तोड़ सकते हैं? इतने सालों बाद बड़ी मुश्किल से मिला है हमें हमारा बेटा, अब दोबारा हम उसे नहीं खो सकते, इतनी हिम्मत नहीं है हम में। आपके द्वारा दाखिल किया गया नंबर अभी क्यों नहीं उठा रहा?